अध्याय आठ ये क्या है, त्रिकोणमिति का ये क्या है परिचय है ना। आज मैं आपको बताने वाला त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं कितने अनुपात होते हैं, छह अनुपात होते हैं है ना। पहला जो अनुपात क्या होता है आपका, ये पहला अनुपात आएगा आपका साइन है ना। दूसरा अनुपात क्या हो जाता है आपका, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तीसरा जो अनुपात होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। फिर चौथा अनुपात क्या होता है टेन, और टेन का ये पांचवा है टेन का उल्टा क्या होता है क्वाड। ये महत्वपूर्ण क्या कहलाते हैं, छह त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। और इन छह त्रिकोणमिति अनुपातों का या तो आपको यदि मान गया थे जीरो अंश का मान क्या होता है इनका है ना, तीस अंश का मान क्या होता है इनका, पैतालीस अंश का मान क्या होता है इनका, साठ अंश का मान क्या होता है, और नब्बे अंश का मान क्या होता है ना। यदि आपको ये मान यदि याद है तो अच्छी बात है, और परंतु यदि याद नहीं तो इसके लिए एक मैं आपको क्या बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, जिसमें से यदि आप साइन का मान याद रख लें और कॉस का मान यदि याद रख लें तो बाकी आप क्या हो जाएंगे, ये जो होगा आपका बाकी चार त्रिकोणमिति अनुपात का मान आप याद कर सकते हैं। और याद नहीं करना है इनको, इनको क्या करना समझना है। तो जो होता है हम सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, देख लीजिए आप, सबसे पहले हम चलते हैं, हम साइन पे चलते हैं। अब साइन पे यहाँ पर यदि देखा जाए तो साइन पे कितना अंश कहलाएगा, पहला है जीरो अंश, दूसरा आ जाएगा आपका कितना अंश, तीसरा आ जाएगा आपका पैंतालीस अंश, और इसके बाद आगे वाले आ जाएगा आपका साठ अंश, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा नब्बे अंश है ना। अब हमको देखना है कि साइन जीरो अंश का मान क्या होता है, साइन तीस अंश का मान क्या होता है, साइन पैंतालीस का मान क्या होता है, कॉस साठ का मान क्या होता है, साइन साठ का मान क्या होता है, और साइन नब्बे का मान क्या होता है। ये हमको बिना सारणी के, मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि इस ट्रिक से आप बिना सारणी के इन सारे मानों को आप ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के पूरे जो छह अनुपात हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, उनके सारे के सारे मान आप ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है आपका, यहाँ से यदि हम देखें तो ये फर्स्ट स्टेप आता है आपका। फर्स्ट स्टेप में हमको करना क्या है, देख लीजिए, जीरो के नीचे आपको क्या लिख देना है, जीरो, अच्छे से समझना ना इसको। फिर 30 के नीचे क्या लिख देना है, एक। फिर 45 के नीचे क्या लिख देना है, 60 के नीचे क्या लिख देना है, तीन। और 90 के नीचे क्या लिख देना है, चार लिख देना। आया समझ में, हमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने जीरो अंश के नीचे हमने जीरो को लिखा, 30 अंश के नीचे हमने एक को लिखा, 45 अंश के नीचे हमने दो को लिखा, 60 अंश के नीचे हमने तीन को लिखा, और 90 अंश के नीचे हमने चार को लिखा। फिर इसके बाद ये जो सेकंड स्टेप जो आता है इसका, अब कौन सा स्टेप है, ये सेकंड। सेकंड में एट लास्ट देखिए आप, लास्ट का अंक क्या है आप, चार, चार। अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, जीरो बटे क्या कर देते हैं, चार। एक बटे क्या कर देते हैं, चार। फिर दो बटे क्या कर देते हैं, चार। फिर तीन बटे क्या कर देते हैं, चार। और फिर चार बटे क्या कर देते हैं, चार। आया समझ में। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि जो लास्ट डिजिट है आपका ये क्या, फोर है, इसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जीरो बटे ये क्या हो जाएगा, चार। एक बटे ये क्या हो जाएगा, चार। दो बटे ये क्या हो जाएगा, चार। तीन बटे ये क्या हो जाएगा, चार। और चार बटे ये क्या हो जाएगा, चार। फिर इसके बाद ये देख लीजिए इसका थर्ड स्टेप, इसका जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं, ये क्या आ जाएगा देख लीजिए। थर्ड स्टेप में यहाँ पर देख लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, सब में हम क्या लगा देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं है ना, अंडर रूट या करणी लगा देते हैं। तो करणी ये क्या हो जाएगा, जीरो बटे चार। फिर ये करणी क्या हो जाएगा, एक बटे चार। फिर ये करणी क्या हो जाएगा, दो बटे चार। फिर ये करणी क्या हो जाएगा आपका, तीन बटे चार। और फिर ये करणी क्या हो जाएगा, चार बटे चार हो जाएगा है ना। हमने थर्ड स्टेप में यहाँ पर हमने क्या किया है कि सेकंड स्टेप में हमने चार का भाग दिया, और थर्ड स्टेप पे सब पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर करणी लगा, क्लियर। अब इसके बाद इसका जो फोर्थ स्टेप आएगा, इसको देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका करणी, जीरो बटे चार यानी क्या कहला जाएगा, जीरो।
फिर ये देख लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, करणी एक का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये करणी एक और ये करणी क्या हो जाएगा, चार। यहाँ से ये कट जाएगा ना, एक बटे क्या हो जाएगा, दो, है ना। ये करणी क्या हो जाएगा, एक बटे क्या हो जाएगा, दो, दो एक कम दो और दो दूनी चार, ये नहीं कटेगा। तो ये करणी क्या हो जाएगा, तीन बटे ये करणी क्या हो जाएगा, चार, और ये करणी चार बटे चार यानी एक, और ये क्या हो जाएगा आपका, करणी क्या हो जाएगा, एक, एक बटे एक यानी एक ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसका जो पांचवा जो स्टेप आता है आपका, देख लीजिए पांचवा स्टेप क्या जाएगा, जीरो का वर्गमूल क्या होता है, जीरो, एक का वर्गमूल क्या होता है, एक, करणी चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा, दो, एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक, और करणी दो का वर्गमूल नहीं होता तो ये करणी दो ही रहेगा। यहाँ करणी तीन का वर्गमूल नहीं होता तो करणी तीन, और ये चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा, दो, और एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक। अब यहाँ से ये लास्ट हो गया। अब यहाँ से यदि देखा जाए, क्या देखा जाए, यहाँ पर साइन जीरो अंश का मान क्या जाएगा आपका, जीरो। साइन तीस अंश का मान क्या हो जाएगा, एक बटे दो। साइन पैतालीस अंश का मान एक बटे करणी दो। साइन साठ अंश का मान करणी तीन बटे दो। और साइन नब्बे का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आया इतना समझ में आप लोगों के? नहीं आया? यहाँ पर फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि बिना सारणी के हमको त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात करना है ना, जिसमें हमने आपको बताया मैंने कि सबसे पहले साइन का मान यदि आप ज्ञात कर लो, साइन में पहला त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, साइन, साइन का क्या हो जाएगा, जीरो अंश, फिर क्या हो जाएगा, तीस अंश, फिर क्या हो जाएगा, तैतालीस अंश, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, साठ अंश, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जीरो के नीचे हमने फर्स्ट स्टेप है अपना, जीरो के नीचे हमने क्या लिख दिया है, जीरो, तीस के नीचे हमने क्या लिखा है, एक, पैतालीस के नीचे हमने क्या लिखा है, दो, साठ के नीचे हमने क्या लिखा है, तीन, और नब्बे के नीचे हमने क्या लिख दिया, चार। अंतिम अंक कौन सा है आपका, चार, है ना। तो सेकेंड स्टेप पे अब हमको क्या करना है, जीरो सब में चार चार का भाग दे दीजिए आप, तो जीरो बटे चार, एक बटे चार, दो बटे चार, तीन बटे चार, चार बटे चार, फिर इसके बाद सब में हमने क्या कर दिया, वर्गमूल लगा दिया, तो वर्गमूल जीरो बटे चार, वर्गमूल एक बटे चार, वर्गमूल दो बटे चार, वर्गमूल तीन बटे चार, वर्गमूल चार बटे चार। फिर यदि ये कट रहा है तो काट दीजिए, तो जीरो बटे चार यानी क्या कहला जाएगा, जीरो, ये नहीं कट रहा तो करणी एक बटे करणी चार, फिर ये देख लीजिए आप, दो एकम दो और दो दूनी चार, तो करणी एक बटे दो हो जाएगा, ये करणी तीन बटे करणी चार, और ये एक बटे एक यानी करणी का क्या कहला जाएगा, एक। अब जीरो का वर्गमूल क्या हो जाएगा, जीरो, करणी ये हो जाएगा करणी एक का वर्गमूल एक, और चार का वर्गमूल दो, करणी एक का वर्गमूल एक, और करणी दो का वर्गमूल करणी दो ही रहेगा, करणी तीन का वर्गमूल करणी तीन, और चार का वर्गमूल दो, और एक का वर्गमूल एक। तो हमको क्या मिल जाएगा, आसानी से मिल गया, साइन जीरो अंश का मान जीरो, साइन तीस अंश का मान एक बटे दो, साइन पैतालीस अंश का मान एक बटे करणी दो, साइन साठ अंश का मान करणी तीन बटे दो, साइन नब्बे अंश का मान एक। अब यहीं से यदि ये मान यदि आपको या तो आप याद करिए या एक ट्रिक सीखिए आप, ठीक है। अब यहीं से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस का मान देखना, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखना, यहाँ पर कॉस, कॉस के लिए हम उल्टा चलते है ना, कॉस के लिए हम कहाँ जाएंगे, यदि कॉस जीरो अंश पे जाना है तो उसका मान उल्टा चलिए तो ये क्या हो जाएगा, एक कहला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से जाना है इसके लिए, ठीक है। फिर कॉस तीस अंश के लिए जाना है तो करणी तीन बटे दो, फिर कॉस पैतालीस अंश के लिए देखिए कॉस और साइन का मान पैतालीस का मान एक सा होता है, एक बटे करणी दो, फिर कॉस कहाँ जाते हैं, साठ का मान क्या हो जाएगा, एक बटे दो, और कॉस यहाँ पर नब्बे अंश का मान क्या हो जाएगा, जी ये कॉस के लिए हमको इस तरीके से चलना है यहाँ से, और साइन के लिए हमको कहाँ जाना है, इस तरीके से जाना है, आया समझ में। और यदि ये दो मान आपको मिल गए तो आप दुनिया की कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात यदि आपको दे दिया जाए आप उसके मान ज्ञात कर सकते हो, चाहे टेन नब्बे के मान ज्ञात कराओ, चाहे आप टेन पैतालीस का मान ज्ञात कर लो, चाहे कोसेक के मान ज्ञात कर लो, चाहे सेक के मान ज्ञात कर लो, चाहे कॉट के, ये दो मान यदि आपको मिल गए तो आप सारे के सारे त्रिकोणमिति में जितने भी डिग्री के मान यदि पूछा जाएगा आप बिल्कुल इजी तरीके से उनको हल कर लोगे। क्लियर, ये समझ में आया आपके, चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है।